सबसे पहले तो आपके अपने जो मोबाइल नंबर है वो बोल दीजिए, सब एक साथ नोट कर लेंगे। मैं आपका मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। बट कई बार ऐसा होगा कि ये मोबाइल आपने जैसे मैं कभी जब गैली में अंदर गया हूँ, ये मोबाइल मेरे टेबल पे बाहर रखा रहेगा। कुछ सब कई बार ऐसा होगा कि नो रिप्लाई आता है, आप यकीन मानिए दोबारा जब कॉल करेंगे मैं उठाऊँ, और शाम के समय तो पक्का उठा। मेरा मोबाइल नंबर आपको बाद में जो आप देख रहे हैं मेरे सामने की तरफ में स्टैंड है, यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि उसके जो अंक हैं वो सही हैं, उसका मूल निवास सही है, उसका जन्म पत्र सही है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके यहाँ चेक किए जाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में ये लड़का आगे की तरफ जहाँ पर बास्केटबॉल ग्राउंड है वहाँ जाएगा, जहाँ पर उसकी मेडिकल जाँच होगी। और मेडिकल जाँच के दौरान या उससे जस्ट भारतीय सेना द्वारा रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया गया है बीकानेर में। ये रैली 5 से 12 अगस्त को सादुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही है। रैली के में मुख्यतर 3 जिलों के लिए भर्ती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। रैली का जो मेन प्रोग्राम है वो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। बीकानेर की भर्ती 5 और 6 अगस्त को, हनुमानगढ़ की भर्ती 7 और 8 अगस्त को, और श्री गंगानगर के लिए भर्ती 9 और 10 अगस्त को है। ये भर्ती सभी पदों के लिए है, सैनिक सामान्य, सैनिक क्लर्क, सैनिक एसकेटी, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक टेक्निकल। जो योग्यताएं ज़रूरत हैं इन पदों के लिए उनके बारे में मैं टिप्पणी देना चाहूँगा। सैनिक सामान्य के लिए उम्र 17.5 से 21 साल और बाकी सभी पदों के लिए 17.5 से 23 साल। योग्यताएँ सैनिक पद सामान्य के लिए अगर 10वीं पास हैं तो न्यूनतम 12वीं पास हैं तो ये जो 10वीं की रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहेगी, या उसके आगे उन्होंने अगर कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये जो अंक तालिका की जो रिक्वायरमेंट है ये नहीं रहेगी। दूसरा, सैनिक क्लर्क और एसकेटी पदों के लिए इसमें अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए और उनके पास 12वीं में न्यूनतम 50% नंबर होने चाहिए और हर एक विषय में कम से कम 40% नंबर चाहिए, और उनको उन्होंने 10वीं और 12वीं में या 12वीं में अंग्रेजी और गणित ज़रूर किया होना चाहिए, और अगर गणित नहीं किया है उन्होंने तो बुक कीपिंग या अकाउंटिंग किया होना चाहिए। सेना भर्ती को लेकर आप जोर बोलते हैं, व्यवस्था बहुत ही अच्छे इंतजाम फौज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। लड़कों के हॉस्टलों में रुकने की व्यवस्था, यहाँ एक बार आ गए तो उनके सामान रखने के लिए व्यवस्था, अंदर उनके खाने पीने और बैठने की व्यवस्था, और इसके अलावा सिक्योरिटी की व्यवस्था बाहर पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और अंदर आर्मी द्वारा की गई है, और सारे इंतजाम को एक बार कल शाम को चेक भी कर लिया गया है, और ये सभी इंतजाम आज शाम से लागू होंगे। और मुझे उम्मीद है कि रैली बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल रहेगी, और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रैली के दौरान हमारा और पुलिस का यही उद्देश्य रहेगा कि ऐसी कोई भी घटना ना हो रैली के दौरान में, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बीकानेर का, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं मैडम, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा, बिकॉज़ ये सारे इंतजाम मेरी किसी भी रैली से अच्छे यहाँ पर देखे गए हैं। एक और चीज़ जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके थ्रू अभ्यर्थी को बताना चाहूँगा, पहली चीज़ कि रैली के दौरान में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वर्जित है, किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन को लेके वो अंदर ना आए हैं, ना ही किसी स्टाफ को मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने की परमिशन दी गई है। और दूसरी चीज़, सेना की भर्ती बहुत ही पारदर्शी तरीके से की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार के दलालों या किसी बिचौलियों का संबंधित होने का या इन्वॉल्व होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे लोगों से सारे अभ्यर्थी दूर रहें और सुनिश्चित करें कि वो किसी भी ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसें, और मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई आदमी उनसे कॉन्टैक्ट करता है तो उस आदमी की जानकारी वो हमें या पुलिस को
टेलीफोन नंबर जो दिए गए हैं उस पर करें, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी भारतीय सेना की रैली से दूर रखा जा सके।